हेलो फ्रेंड, आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। और ये क्वेश्चंस क्या बोला है, देखो बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इस एपी का कितना होगा। तो सिंपल सा बोला है कि एस 16 आप बताओ इस एपी का। तो मैं यहां से आप देखोगे तो एन की वैल्यू तो कह रहा है 16 बताओ, और यहां से इस एपी में अगर देखोगे तो पहला जो दिया रहता है वही ए होता है। क्या दिया, पहला 10 दिया है, और डी निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 10 -4 आ गया। अब आपको आसान है एस 16 निकालना, पहले एस एन रहता तो क्या लिखते हैं, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब देखिए रख दीजिए एस 16 रख दिया, मतलब एन की जगह 16 रखा तो यहाँ पे 16/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीपल में, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 16 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है -4, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जब माइनस में रहे तो ब्रैकेट में लिख लेना। 16/2 8 हो गया, 2 × 10 = 20 हो गया, और यहाँ 16 - 1 15, ठीक है यहाँ लिख लिया मैंने 15, और मल्टीपल है -4 के साथ। ठीक है चलिए, यहाँ तो 8 हो गया, यहाँ 20 है, ये प्लस माइनस क्या हो गया -15, 4 × 2 कितना हो गया 60। अब देखिए 16 में से 20 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -40। अब -40 में मल्टीपल करोगे तो 8 × 4 हो जाता है 32, और एक जीरो लग गया और प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आ जाता है, मतलब -320। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये हर चैप्टर, क्लास 10th के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।